बटाला का रुख करेंगे जिथे दिन दहाड़े एक नौजवान से फायरिंग का मामला सामने आया। बस अड्डे के नजदीक अणपछात्या ने 21 साल एक नौजवान से गोलियां चला दीतियां। जख्मी नौजवान को अमृतसर के अस्पताल के रैफर कर दिया गया। यह भी दस दिए कि पुलिस वालों पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। एक बार फिर तो दस दिए कि बटाला तो यह अपराधक वारदात के नाल जुड़िया हुआ मामला है। दिन दहाड़े एक नौजवान से फायरिंग की गई है, गोलियां चलाई गई हैं। 21 साल नौजवान उस गोलियां चलाई ने। फिलहाल ये हमलावर कौन सन, कितों आए और ये गोलियां क्यों चलाई गई हैं? बस अड्डे के नेड़े इस वारदात को अंजाम दिता गया। बटाला के बस अड्डे के नेड़े इस वारदात को अंजाम दिता गया। मैं 21 साल के एक नौजवान से गोलियां चलाई गई। कुछ अणपछाते लोग आए जिन्हों के वालों ये गोलियां चलाई गई। हम किन्ने लोग आए सन और ये हमलावर कौन ने और क्यों 21 साल नौजवान से गोलियां चलाई गई? कई तरह के सवाल बने हुए हैं। जख्मी नौजवान फिलहाल अमृतसर के अस्पताल जेरे इलाज है। पुलिस वालों पूरे मामले की जांच जारी है। भोपाल साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल की जानकारी कुछ की कुछ पता लग पाया, 21 साल नौजवान से गोलियां चलाने वाले कौन सन, क्यों गोलियां चलाई गई, कदों का मामला है, कितने यह वारदात हुई, पुलिस वालों किस कदर छानबीन की जा रही है? देखो मैं तुम दसना चाहूंगा कि यह मामला हलका फतेहगढ़ चूड़िया के बस अड्डे के बिल्कुल सामने का है, जिथे बस अड्डे के सामने गली में सैलून है। पहला उत्थे कुछ अणपछाते नौजवान जोड़े ने वो आते हैं तो गुरबीर सिंह जो सलून च बैठा हों उस झगड़ना शुरू कर देंगे ने, उसकी मार कुटाई करते हैं। उस तो बाद जो गुरबीर सलून चो निकल के वापस जान लगता तो बस अड्डे सामने इसको गोलियां मारिया जाए ने। दो गोलियां इससे लगदियां हैं जिसके गंभीर जख्मी होंदा है। इसको अमृतसर रैफर किया जाता है इलाज के लिए। हुण झगड़ा जिहड़ा पहला होया सी सलून के अंदर ओदा झगड़े की वो सीसीटीवी सारी सामने आ चुकी है। पुलिस उस सीसीटीवी खंगाल रही है, आस पास तो पूछगिछ कर रही है, तो जांच की जा रही है कि क्यों झगड़ा होया तो किन्ना नौजवानों वालों इसको गोली मारी गई, तो उस झगड़े के कौन कौन नौजवान शामिल सन। 21 साल इसकी उम्र दसी जा रही है, अजे एक कुवारा दसया जा रहा है नौजवान गुरबीर सिंह जिसके दो गोलियां लगन गंभीर जख्मी होया है, तो अमृतसर रैफर किया गया इलाज के लिए। डॉक्टर के मुताबिक किस तरह की हालत इसकी? देखो जो हालात उत्थे मौके ते उत्ते लोग दस रहे हैं कि उसकी काफी गंभीर हालात दसी जा रही है गोलियां लगन तो बाद, क्योंकि गोलियां मारन तो पहला उसकी मार कुटाई भी की जाती है इस नौजवान की, तो उस मार कुटाई की उस झगड़े की सीसीटीवी भी सामने आ चुकी है जी। अच्छा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है कि कुछ खुलासा हो पाया कि किन्ने हमलावर सन, किन्ने लोग सन? टीवी के जिस तरीके की सामने झगड़ा नजर आ रहा है, जिस तरीके इसकी मारपिटाई की जा रही है, कम से कम वो 7 से 8 नौजवान ने जिहड़ी गुरबीर सिंह की मारपिटाई करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया उस आधार पे? देखो हाले पुलिस जो है वो आस पास तो पूछगिछ कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, अते जो परिवारक मैंबर के जां आस पास के लोगों के बयान होंगे उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, परिवारक मैंबर के वालों कोई मांग? देखो हाले परिवारक मैंबर वालों जो है वह सामने कोई बयान नहीं आया, लेकिन खास तौर पर यही देखा जाएगा कि परिवारक मैंबर वालों यही मांग की जाएगी कि जेड़े लोगों ने उन्होंने पुत्र उत्ते हमला किया है, जेड़े लोगों ने उन्होंने पुत्र को गोलियां मारी उन्होंने खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भोपाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी, कोई भी अपडेट होएगा तो साढ़े तक जानकारी जरूर पहुंचाना।